हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आपको पता ही हूँ कि मैं कल आ गया था ओरछा, और मैं अभी भी ओरछा में हूँ, लेकिन मैं आज आया हूँ। ये बेतवा नदी है मेरे सामने, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, क्या ही बताऊँ मैं। काफ़ी जगह घूमने गया हूँ, लेकिन यहाँ के जैसा व्यू पॉइंट मैंने कहीं नहीं देखा है, और काफ़ी अच्छा। और मैं दोस्तों यहाँ पर अकेला ही हूँ, अगर साथ में दो तीन लोग और होते तो आप यहाँ पर कैंपिंग कर सकते थे, मैं भी कैंपिंग कर सकता था। काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों यहाँ पर, और नदी के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं दोस्तों, और सर्दी में भी मस्त कड़ाके की धूप निकली है। अभी सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था भाई साहब, व्यू देख रहा है, क्या व्यू है ये बेतवा नदी का। भाई साहब आप एक खंडा देख रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा खंडा है वो, सब इतने बड़े बड़े खंडे, बहुत खंडे यहाँ पे, खंडे खंडा। आप चाहो तो इसमें नहा भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, और ये नदी के बीच बीच में बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, काफ़ी पेड़ दिख जाएंगे। तो उस साइड वो ब्रिज है पीछे की साइड, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अभी हम वहीं पर जा रहे हैं घूमने। केकड़ा भी दिख गया है, देखो ऊपरी केकड़ा घूम रहा है इसमें, देखो छोटा है काफ़ी, काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं केकड़े, ये तो बहुत छोटा है। इसको पकड़ के देखे, ये मेरे को ही पकड़ लेगा। बाहर ही आ रहा है लगता है, आ जा आ जा, बाहर निकल रहा है शायद पानी से, इसने आवाज़ सुन लिया हमारी, अंदर जा रहा है। यहाँ पे बहुत तेज धार चल रही है, गहरा भी है यहाँ पर बहुत। ये एवरेज छोटा वाला, काफी तेज धार चल रही है पानी की। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, शानदार व्यू है। काफ़ी लोग पूजा भी करवा रहे हैं यहाँ पर, शायद मुंडन हो रहा था पीछे की साइड। अभी काफ़ी अच्छा व्यू है, इधर राइड भी चल रही है गोताखोर। यहाँ पे बंदरों की गिनती नहीं है, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, पूरे ओरछा नगरी में बंदर ही बंदर हैं। अभी हम ब्रिज के इस साइड आ गए हैं। यहाँ पे लोगों ने गंदगी बहुत फैला रखी है, आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, और इस साइड एक पूरा जंगल ही जंगल है दोस्तों, पूरा जंगल है। ये पूरी नदी है इस साइड, नदी के बीचों बीच में भी बहुत पेड़ है। और यहाँ पे बोटिंग राइड भी चल रही थी अभी मैंने देखा पीछे की साइड, तो आप बोटिंग राइड भी कर सकते हैं। थोड़ा एंजॉय करते हैं उधर जाके,
बहुत ठंडा पानी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम तेज धारा बह रही है वहाँ से। तो ब्रिज है वहाँ पर, काफ़ी लोग घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, पर मैं यहाँ पर अकेला ही घूम रहा हूँ। मैं उस साइड भी जाऊँगा अभी, आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। अब कभी भी ओरछा घूमने आए तो नदी पे ज़रूर घूमने आए दोस्तों। और ये पत्थरों का काफ़ी ध्यान रखना, ये बहुत चिकने हैं, स्लिप भी हो जाते बहुत जल्दी। ये स्लिप भी करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।